वो नहीं जिसको कोई खौफ नहीं, बहादुर आदमी वो नहीं जिसको कोई खौफ नहीं, वो है जो अपने खौफ पर फतह हासिल कर लेता है। हमारे पास है जिमन ने सुन लिया हुकुम करीब तो हुकुम नजदीक, बिल्कुल नहीं ये थो जाओ यम कत थो जाओ के याद पर तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो वतन को महताब कर दे, तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो वतन को महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्म तुमका निजाम बदले, जो कोशिश कर पांच हाथ रुपये की दिन बिरयानी की दिन गाड़ी की दिन मुफ्त लोकन पे नफर हाथ या जहर जमा गुदाय मेहरबानी चोन फसल मे पे कि ये मुल्क यह फिक्री सकीना रुदस यह गल्ला तला सब मेहरबानी तमें पे लुकन मेहरबानी सकीना रुतु तीस बड़ हस्ती कि नौजवान खुद तमस पदी नारे सकीना रुतु जिंदाबाद मेन बुजुर्ग ये जिंदगी में नारा है दुत यमो गांव क्यों नौजवानों या बुजुर्गों और काल बह बजे तान झंडा लगान डेरे गुम लुकन कथ हक नख वाल इन हालात मन मुश्किल हालात मन ईश्वर तला सुंद फजल वे तुम मोहब्बत तुज माए मैम यहाँ पे अगर महंगाई के हवाले से बात करें, साग जो है 100 रुपए इस वक्त और टमाटर के हवाले से बात करें कहीं कहीं पे 120 रुपए में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो सही बात है, हर चीज आप सिर्फ टमाटर की बात क्या करेंगे, प्याज की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, राशन की बात करें, जो हमारे टाइम में 100 रुपया लोग देते थे 150 देते थे, आज 1000 की बिल आती है, बिजली का नाम निशान नहीं होता है। इसी तरह आप गर्म सिलाई की बात करें, सूरत की बात करें, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि लोगों को इतना मतलब मुश्किल है इस टाइम, इतनी गरीबी है लोगों को जिनके लिए जिंदा रहना जो है वो मुश्किल है। मैम ये बताएं बोले चाहे जैसे पहले इंतखाबात में हमने हिस्सा लिया, आज हमारी सरपंच 90% है, लेकिन जिसको आप लाओगे आगे जो भी बंदा आएगा वो साफ होना चाहिए, आपकी करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, और जो लोग आज हैं उन्होंने भी काफ़ी हद तक लोगों की खदमत की है, उन्होंने भी अपना रोल अच्छे से निभाया है, और कुछ लोग अगर कहीं पर कुछ परसेंट शिकायत है लेकिन जब वो मौका आएगा 5 सरपंच चुनने होंगे, गाँव वाले क्यों बैठे आप देखते हैं, अगर अल्लाह तला उनको सोचेंगे कि डरे अगर इलेक्शन हो जाएंगे लोगों का जो फैसला होगा उनको तस्लीम करना चाहिए, और जो जमहूरी हक लोग
मैम लोग काफी परेशान हैं, आपसे आया है कि लोग चाहते हैं कि बरसरिस इक्तदार आनी चाहिए, सियासी जमात कोई भी हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे सवाल से? सही बात है, लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत दुखी हैं, लोग डिप्रेशन में हैं। पहले ही कहा है कई नौजवानों ने, अगर आप पिछले एक महीने की बात करें, 4 नौजवानों ने वहाँ उस एरिया में खुदकशी की। रोज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वहाँ किसी न किसी की सोसाइटी बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, परेशान है नौजवान, हद से ज्यादा बेरोजगारी। जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से, तो 20 लाख नौजवान बेरोजगार जिन्होंने अप्लाई किया था 1300 पोस्टों के लिए, और वो भी नहीं मिल रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, अगर कहीं पे हो रही है उसको कैंसिल किया जाता है ताकि रोजगार ना मिल पाए। जिन्होंने बड़े दावे किए वो आज वो दावे सारे खोखले।